आपका बेटा मैं कोई खास नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। जब कभी कोई मुसीबत आई, चाहे एनआरसी की लड़ाई हो, सेंटर कमेटी की लड़ाई हो, सेंटर हाउस की लड़ाई हो, एसएससी की लड़ाई हो, सिटी विकास की लड़ाई हो, वाल्मीकि नगर की आजादी की लड़ाई हो, चाहे दरोगा की लड़ाई हो, सिपाही की लड़ाई हो, चाहे बाढ़ की लड़ाई हो, चाहे पटना में बाढ़ की लड़ाई हो, सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के बीवी के साथ आ गया, लेकिन पप्पू यादव 19 दिनों तक घर घर पर दूध और खाना पहुंचाता रहा। किसी को हम नहीं मानेंगे, लेकिन नीतीश कुमार साथ नहीं थे, एक भी नीतीश कुमार नहीं थे, एक भी सुशील मोदी नहीं निकले। भाजपा का नगर निगम 40 सालों से वहाँ MLA, लेकिन अकेला पप्पू यादव, कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा नीतीश जी और लालू जी के सब परिवार बाहर थे, अकेला पप्पू यादव हिंदुस्तान के हर मजदूरों के अकाउंट में 2,000 रुपया होते उनकी जिंदगी नीतीश जी कहा, जब कोटा में बच्चा आत्महत्या कर रहा था, अकेला पप्पू यादव नीतीश जी जमदार की तरह रहे थे, पूरे बिहार के एक एक बच्चों पर लाठी बिल निकाल दिए गए। आज उस पर चंद्रशेखर लालन पप्पू यादव दिल्ली में लाठी खा रहा था, अकेले कोई पूछने वाला नहीं था, हर बिहारी को एक महीने का राशन अकेले पहुंचा रहे थे, माथे पर हिसाब पर 7-7 लाख, उससे ऊपर बिहारी को हाथ में 1,000 रुपया देकर 37,82,000 बिहारी को पूरे भारत से अकेले में पटना और बिहार में। जब हम कोटा के बेटे और हर्षों को लेकर आए, तो एक भी थाना नहीं था स्टेडियम में, मैंने 3 स्टेशन और पटना के स्टेडियम में बस सस्ते में खाना सीख के एक महीने का सारा बस सीख के, और पूरे बिहार के एक एक मजदूर को एक महीना तक उसके घर पहुंचाते थे। उसका नीतीश जी कहां थे तब? तो अमर घर में, जब 18 जिले में बाढ़ आया, इसी नौतल में एक एक लोग हम डूब रहे थे, एक एक लोग भूख से परेशान थे। मैं जानते हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, अपने शरीर का पाए पाए कीमत करा के इसने जिस तरीके से नौतन बेटिया का सेवा किया, शायद उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है।